हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस एनालिसिस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं अडानी इंटरप्राइजेस शेयर के ऊपर। इन डिटेल में हम लोग बात करेंगे अडानी इंटरप्राइजेस शेयर के ऊपर, तो आप लोग जो है वीडियो को ध्यान से देखिएगा। और अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आए हैं या फिर अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। साथ ही साथ बेल आइकन पर प्रेस करके नोटिफिकेशन को क्लिक करके ऑल को भी सिलेक्ट कर लीजिए, जिससे कि आप लोगों को भी लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। तो चलिए अब बात करते हैं अडानी इंटरप्राइजेस शेयर के ऊपर। अडानी इंटरप्राइज के शेयर में आज हम लोगों को यहां पे वापस से स्टॉक जो है अपने ये लो पे ही क्लोज हुआ है। यहां पे क्लियरली देखेंगे तो स्टॉक मॉर्निंग सेशन में जो है ऑलमोस्ट अपने रेसिस्टेंस लेवल के अराउंड ही ओपन हुआ था। 4080 लेवल के अराउंड आपको ओपन हुआ था, बट वहीं से हम लोगों को सेलिंग प्रेशर इस स्टॉक में देखने को मिला। अगर देखेंगे तो इंट्राडे में स्टॉक जो है 0.28% नीचे क्लोज हुआ है। 11.20 रुपीज जो है इस स्टॉक ने आपको इंट्राडे में लूज करके 4049 के लेवल पे क्लोज हुआ है। लास्ट वन मंथ से अगर बात करेंगे इस स्टॉक के ऊपर तो लास्ट वन मंथ से स्टॉक जो है कंटिन्यूसली साइडवेज ही ट्रेड कर रहा है। तकरीबन 300 के पॉइंट रेंज में जो है स्टॉक यहां पे कंटिन्यूसली ट्रेड कर रहा है। तो चलिए अब चार्ट्स के ऊपर देखते हैं जो इस स्टॉक में आपको कौन कौन सा लेवल इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो यहां पे अगर हम लोग बात करेंगे अडानी इंटरप्राइज के डेली चार्ट के ऊपर तो क्लियरली हम लोगों को यहाँ पे वापस से दिख रहा है जो स्टॉक जो है अपने अपर लेवल पे काफी टाइम स्पेंड कर रहा है। अपर लेवल जो कि आपको 4100 का लेवल है रेसिस्टेंस लेवल, इस लेवल के राउंड जो है स्टॉक कंटिन्यूसली आपको यहाँ पे अपना मोस्ट ऑफ द टाइम स्पेंड कर रहा है। क्लियरली अगर देखेंगे तो स्टॉक जो है 3800 to 4100 के रेंज में जो है यहाँ पे स्टॉक आपको ट्रेड कर रहा है। तो इसी वजह से जो है यहाँ पे अभी हम लोगों को वेट करना चाहिए जब तक कि इस स्टॉक में आपको एक क्लियर डिसीजन नहीं मिलता है या क्लियर ब्रेकआउट इस स्टॉक में हम लोगों को नहीं देखने को मिलता है, तब तक जो है इस स्टॉक में ऊपर की साइड में एक बड़ा मूवमेंट नहीं हो सकता है। अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो चैनल पैटर्न में जरूर यहाँ पे जो है इस स्टॉक को ट्रेड किया जा सकता है। और चैनल पैटर्न में ट्रेड करने का बिल्कुल सिंपल रूल है, जो अगर अपर रेसिस्टेंस के पास आपको एक निगेटिव साइन दिखता है तो आप स्टॉक को शॉर्ट कर सकते हैं। अब अगर करेंट लेवल पे देखेंगे तो स्टॉक अगर डेली बेसिस पे 4000 के लेवल के नीचे क्लोज हो जाता है तो फिर वापस से स्टॉक जो है अपने इस लोअर चैनल को हिट करने के लिए जा सकता है। तो एक बार अगर स्टॉक यहां पे डेली बेसिस पे 4000 के लेवल के नीचे क्लोज हो जाएगा तो वापस से स्टॉक जो है नीचे की साइड 3800 to 3820 के लेवल को हिट करने के लिए जा सकता है। वहीं अगर स्टॉक ऊपर की साइड 4100 के लेवल के ऊपर क्लोज हो जाता है तो फिर इस स्टॉक में ऊपर की साइड में एक बड़ा मोमेंटम हम लोगों को देखने को मिल सकता है। तो आई होप आप लोगों को सभी पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। तो अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो, एनालिसिस अच्छा लगा हो, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।